नमस्कार, इंडियन न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो आज स्वस्थ हरियाणा के इस प्रोग्राम में हम आज आप पहुंचे हैं गुरुग्राम के सेक्टर 24 में, और ठीक मेरे पीछे जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं जहां पर NH लिखा हुआ है, दरअसल ये हॉस्पिटल है। और ये हॉस्पिटल कौन सा है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। ये है नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो की गुरुग्राम के सेक्टर 24 में स्थित है। ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जो की NABH के तहत में इसे एक्रेडिटेड भी किया गया है, और यहाँ पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज होने के साथ साथ में वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है, जो कि अपने तमाम पेशेंट्स का इलाज इस तरीके से करती है कि उनके तमाम तरीके की जो भी परेशानियां होती है बिल्कुल उनको जड़ से खत्म करने का दावा करती है। और साथ ही साथ मैं आपको इस प्रोग्राम के बारे में भी ये खासियत बता दूं कि इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते अलग अलग डॉक्टर से मिलते हैं, अलग अलग डॉक्टर्स की टीम हमारे से हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं बीमारियों के बारे में और बीमारियों के इलाज के बारे में। तो चलिए बिना देर किए हम इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं, और सीधे अब मैं आपको हॉस्पिटल के अंदर लिए चलते हूँ जहाँ पर डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, और उन्हीं से आज हम कार्डियक के बारे में जानेंगे कि कार्डियक के पेशेंट्स में किस तरीके की समस्याएं होती है, कैसे उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो चलिए बिना देर किए अब मैं आपको सीधे अंदर लिए चलती हूँ, चलिए मेरे साथ। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे स्वस्थ हरियाणा के इस एपिसोड में, और इस एपिसोड में मैं आपको दो ऐसे स्पेशल डॉक्टर से मिलवाने जा रही हूँ जो कि नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत है। चलिए सबसे पहले मैं आपको दोनों डॉक्टर से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। आज के हमारे इस एपिसोड के गेस्ट के तौर पर जो डॉक्टर जुड़ रहे हैं, डॉक्टर विवेक चतुर्वेदी जी हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है कार्डियोलॉजी एंड डायरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के, और वहीं हमारे साथ डॉक्टर नितिन कुमार राजपूत जी भी जुड़े हुए हैं जो कि सीनियर कंसल्टेंट है कार्डियक सर्जन। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है इंटरव्यू पर। थैंक यू। डॉक्टर नितिन जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहने वाला है कि दिल की बीमारियां कितने प्रकार की होती है, किस तरीके से हम उसे समझ सकते हैं कि ये कौन से क्राइटेरिया में हमें बीमारी हुई है? देखिए, सामान्य तौर पर दिल की बीमारियों को दो प्रकार में डिवाइड किया गया है। एक वो बीमारियां हैं जो कि जन्मजात होती हैं, शिशु जब जन्म लेता है वो बीमारियां उसके साथ में पैदा होती हैं, जैसे कि दिल में छेद होना सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। इसके साथ ही कुछ ऐसी जटिल अनियमितताएं हो सकती हैं जैसे कि ब्लू बेबी सिंड्रोम। दूसरा प्रकार वो बीमारियां हैं जो हमें अपने जीवन काल में मिलती हैं उम्र बढ़ने के साथ, जैसे कि नसों में ब्लॉकेज आना, वाल्व का खराब हो जाना या हार्ट में ट्यूमर हो जाना, ये कॉमन बीमारियां हैं जी। वैसे डॉक्टर, प्रमुख रूप से अगर दिल की बीमारियों की बात की जाए तो क्या कुछ लक्षण हो सकते हैं, हमें कब उन लक्षणों को देख करके पता चलेगा कि हम डायग्नोस हो चुके हैं? देखिए, दिल की बीमारियों के लक्षणों का पता होना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम अपने लक्षणों को इग्नोर ना करें। इनमें कॉमन सिम्टम्स की बात अगर मैं करूँगा तो अपनी ही धड़कन को महसूस करना, या फिर जल्दी थकान महसूस होना, चलने फिरने पर या फिर बैठे रहने पर सांस फूलना, पैरों में सूजन आना या शरीर में सूजन आ जाना, या फिर सीने में दर्द होना, ये प्रमुख लक्षण है जो हार्ट की बीमारी के हो सकते हैं। ये लक्षण इस बात पर डिपेंड करेंगे कि हार्ट के किस भाग में प्रॉब्लम पैदा हुई है। जैसे कि नसों में ब्लॉकेज होने का सबसे सामान्य सिम्टम सीने में दर्द है, लेकिन यदि हार्ट की मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं, जो कि दिल में छेद होना या फिर वाल्व खराब होने की वजह से कॉमनली हो सकती हैं, तब पैरों में सूजन आना, सांस का फूलना या धड़कन का अनियमित होना प्रमुख लक्षण है। जैसे डॉक्टर, आपने नसों के ब्लॉकेज के बारे में अभी बताया और वाल्व खराब होने का भी जिक्र किया, ऐसे में उन पेशेंट के पास क्या ऑप्शन होता है, वो इसके लिए किस तरीके का ट्रीटमेंट ले सकते हैं? देखिए, जिन मरीजों के वाल्व में प्रॉब्लम है या फिर नसों में ब्लॉकेजेस हैं, सबसे पहले उनको डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए और एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनाई जानी चाहिए। ऐसे मरीज जिनमें इन बीमारियों की प्रॉपर डायग्नोसिस बन चुकी है, उनके पास तीन विकल्प होते हैं। पहला विकल्प है दवाइयों द्वारा किया जाने वाला ट्रीटमेंट, जिसको हम मेडिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। दूसरा, ऐसे प्रोसीजर्स जिनमें कि सर्जिकल चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो कैथ लैब में प्रोसीजर होते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे कि अगर किसी की नसों में ब्लॉकेज हैं तो बिना चीरा लगाए एंजियोप्लास्टी की जा सकती है, या फिर ऐसे मरीज जिनके दिल में छेद है उनको भी डिवाइस लगाकर कैथ लैब में बंद किया जा सकता है, उसके लिए सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे मरीज भी हो सकते हैं
जो एंजियोप्लास्टी के लिए सूटेबल नहीं है या फिर डिवाइस के लिए सूटेबल नहीं है, ऐसे मरीजों को सर्जरी करने की सलाह दी जाती है। नसों में ब्लॉकेज के लिए बाईपास सर्जरी, वैल्व के लिए वैल्व का बदलना या रिपेयर किया जाना, ऐसी सर्जरी की सलाह मिल सकती है। अब तकनीकी एडवांसमेंट होने के साथ साथ हमारे पास एक आधुनिक विकल्प भी मौजूद है, जिसे हम मिनिमली इन्वेजिव हार्ट सर्जरी या फिर दूरबीन विधि द्वारा की जाने वाली हार्ट सर्जरी कहते हैं। सर, डॉक्टर, आपने दूरबीन विधि का जिक्र किया, सबसे पहले तो मैं आपसे आसान भाषा में समझना चाहूंगी कि दूरबीन विधि क्या है और क्या बिना चीरे के सर्जरी किसी मरीज की जा सकती है, और अगर ये जो सर्जरी आप जब ऑपरेट करते हैं तो इसके क्या कुछ फायदे होते हैं? देखिए, जैसे जैसे टेक्निकल एडवांसमेंट हुआ है पिछले 10 से 15 सालों में, हार्ट सर्जरी में दूरबीन विधि का इंट्रोडक्शन हो चुका है। ऐसे मरीज जिनको सामान्य बीमारियों के लिए, जैसे मैंने बताया कि दिल में छेद के लिए या फिर वाल्व को रिपेयर या बदलने के लिए या फिर बाईपास सर्जरी एडवाइस हो चुकी है, ऐसे मरीजों को अब छोटे चीरे से या फिर दूरबीन विधि के द्वारा सर्जरी की जा सकती है। जैसा कि सबको पता ही है कि जो ट्रेडिशनल तरीका है बाईपास सर्जरी करने का, उसमें सीने के सामने 10 से 12 इंच का एक चीरा लगता है और उसकी हड्डी को दो भागों में विभाजित कर देते हैं, लेकिन दूरबीन विधि द्वारा की जाने वाली सर्जरी में एक अत्यंत सूक्ष्म चीरा लगाने की जरूरत है, जैसे कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में होता है, और दो पसलियों के बीच में जो नेचुरल स्पेस है उसके द्वारा ही सर्जरी की जा सकती है। तो ऐसे मरीज जिनको वैल्व रिप्लेसमेंट या फिर बाईपास सर्जरी या दिल में छेद को बंद किए जाने की जरूरत है, उन सभी मरीजों को अब दूरबीन विधि द्वारा सर्जरी की जा सकती है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि छोटा चीरा होने के कारण ऑपरेशन के दौरान ब्लड लॉस कम होता है, ऑपरेशन के बाद मरीज को दर्द कम होता है, हॉस्पिटल से जल्दी छुट्टी मिल जाती है। ऐसे मरीज जिनको जो फैमिली के लिए अर्न करते हैं, वो 2 से 3 हफ्ते बाद ही अपनी वापस नॉर्मल जिंदगी में वापस जा सकते हैं, अपने ऑफिस को ज्वाइन कर सकते हैं। जो पेशेंट यंग हैं, यंग महिलाएं या यंग पुरुष, उनको इसका कॉस्मेटिक बेनिफिट भी है क्योंकि सीने के सामने कोई चीरा नहीं होता है। जो एल्डरली पेशेंट्स हैं, क्योंकि इस ऑपरेशन में कोई बोन कट नहीं की गई है इसलिए उसमें इन्फेक्शन का डर कम होता है, तो वो भी इस ऑपरेशन के लिए लाभकारी होता है। और वैसे आपने ट्रीटमेंट्स के बारे में बता दिया, प्रोसीजर्स के बारे में बताया, हम आपसे लास्ट में ये जानना चाहते हैं कि अगर हम अपने हार्ट को फिट रखना चाहते हैं, मेंटेन हमेशा रखना चाहते हैं कि कोई हमें दिल से जुड़ी हुई कोई समस्याएं ना हो, तो इसके लिए क्या कुछ उपाय अपना सकते हैं? देखिए, दिल को अगर स्वस्थ रखना है तो मेरे तरफ से उसके लिए 5 सुझाव होंगे। पहला ये कि आप अपनी दिनचर्या को एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ रखें, जिसमें कि रोजाना वॉकिंग, एक्सरसाइज या फिर जॉगिंग शामिल हो। भरपूर नींद लेना बहुत ज़रूरी है, तनावग्रस्त जिंदगी से दूर रहें। सेकंड, खान पान का ख्याल रखें, जिसमें कि फास्ट फूड, चिकनाई, तेल, घी का सेवन को कम करें। इसके साथ ही ऐसे लक्षण जो हमने अभी बात की है या दूसरे डॉक्टर्स जो डिस्कस करते हैं कि हार्ट के लक्षणों को इग्नोर ना करें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने मन से बिना डॉक्टरी सलाह के दवाइयों का सेवन ना करें, उसकी वजह से भी कुछ ऐसी दवाइयाँ हो सकती हैं जो हार्ट या लंग्स के ऊपर एडवर्स इफेक्ट रखती हैं, इसलिए अपने मन से दवाइयाँ ना लें। तो ये ऐसे सुझाव हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं लास्ट में बताना चाहूँगा, धूम्रपान कदापि ना करें और अन्य नशीली दवाओं का सेवन बिल्कुल ना करें। एक बोनस क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी जिस तरीके से आपने लोगों को ये सजेस्ट किया है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें बिल्कुल ही अवॉइड कर देना चाहिए अगर हम अपने हार्ट को बिल्कुल फिट रखना चाहते हैं, तो ऐसे में अब सवाल ये भी हो जाता है कि आजकल की जो यंग जनरेशन है उनमें भी खासतौर पर ये बीमारी बहुत ज्यादा देखी जा रही है, उनका दिल कमजोर हो जाता है, तो आप उन यूथ जनरेशन को क्या मैसेज पास करना चाहेंगे कि किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए या कैसे अपना लाइफस्टाइल को मेंटेन करना चाहिए ताकि वो हृदय से जो भी जुड़ी हुई समस्याएं होती है उन समस्याओं से उन्हें जूझना नहीं पड़े? देखिए, कॉमन मिथ ये है जो हमारी यंग जनरेशन है वो समझती है कि
जब हम एक एज के ऊपर चले जाएंगे तब हम सावधानियां बरतेंगे। हमें अभी हम यंग हैं तो हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसको हम बाल्यावस्था से ही अगर बदलाव करेंगे तभी उसका पूरा फायदा मिलता है। अब गैजेट्स की वजह से जैसे टीवी, मोबाइल, टैब्स, इंडोर गेम्स, उसकी वजह से आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं। बच्चों को मेरी सलाह है कि वो अपना लाइफ स्टाइल अभी से बदलाव करें, ना कि एक उम्र के बाद। यदि वो बचपन से ही आउटडोर एक्टिविटीज़ रखेंगे, खेल कूद पर ध्यान देंगे, खान पान का ख्याल बचपन से रखेंगे तो उनका हार्ट स्वस्थ रहेगा। तो चलिए अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और अब बात हम डॉक्टर विवेक चतुर्वेदी जी से करेंगे जो कि सीनियर कंसल्टेंट और कार्डियोलॉजी एंड डायरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी हैं। तो आज हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हृदय रोग होता है यानी कि जो भी हार्ट डिजीज होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, कब हमें तुरंत ही एक्शन लेने की जरूरत पड़ जाती है, कब हमें डॉक्टर्स को कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, कितना सीरियस ही बीमारी है, इन तमाम सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर विवेक चतुर्वेदी जी से। तो सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। नमस्कार। सर सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि कब हमें घबराहट को यानी कि पैल्पिटेशंस जिसे हम कहते हैं इसे हम कब सीरियसली लें? ये बहुत सवाल है, पर इसका जवाब देने के पहले मैं थोड़ा ब्रीफ में बता दूं कि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी क्या होती है जिसके बारे में आपने बताया, क्योंकि ये एक बड़ी स्पेशलाइज ब्रांच है, बहुत कम लोग जानते हैं और इसके बहुत कम विशेषज्ञ भारत में हैं अभी। तो दिल की जो दिक्कतें होती हैं उनमें से जो दिल की बिजली के तार से संबंधित दिक्कतें होती हैं, जिसमें कि दिल की धड़कन बढ़ जाना, कम हो जाना, अनियमित रूप से, इरेगुलर रूप से चलना, इस तरह की धड़कनों के लिए जो इलाज किया जाता है उसको इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी कहा जाता है। जहाँ तक पैल्पिटेशंस या धड़कन की बात है तो धड़कन हम सबको किसी न किसी हमेशा हुई है। अक्सर जब हम भागते हैं या बहुत उत्तेजित हो जाते हैं या फिर किसी सुंदर लड़की को देखते हैं तो दिल एकदम से लगता है जैसे बहुत तेज तेज धड़कना शुरू हो गया, जो कि नॉर्मल है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ये धड़कन बहुत लंबा चले, साथ में चक्कर आए, बेहोशी सी महसूस होने लगे, किसी भी कारणवश नहीं हो रही हो, बैठे बैठे हो जा रही हो, या पहले से आपको दिल की कोई दिक्कत रही हो जैसे कि हार्ट अटैक या दिल की मांसपेशी का कमज़ोर होना या वैल बदला हुआ होना, या फिर आप एक्सट्रीम्स ऑफ एज में हो मतलब कि बच्चे और वृद्ध, तो इस कंडीशंस में दिल की धड़कन को सीरियसली लेना चाहिए और अपने पास में फिजिशियन या डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। वैसे डॉक्टर जिस तरीके से अभी आपने बताया कि समय रहते हुए हमें तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए, अब ऐसे में सवाल ये भी आ जाता है जैसे कि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, कोविड के टाइम में हमने ये देखा कि कई सारे डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया है पेशेंट्स को कि वो पल्स ऑक्सीमीटर अपने पास रखे, क्योंकि जब धड़कनें तेज होती हैं तो कई लोग घबरा जाते हैं। लेकिन कई बार को ये भी देखा गया है कि जब हम पल्स ऑक्सीमीटर पे अपना जब पल्स रेट चेक करते हैं वो लो आता है, तो ऐसे में क्या घबराने की जरूरत है और इसके लिए हम क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है और ये विश्वास मानिए कि पिछले 3-4 महीनों में करीब करीब रोज 2-3 पेशेंट्स इसी सवाल के लिए मेरे से संपर्क में जुड़े हुए थे, क्योंकि कोविड जो है बीमारी इसके अंदर दिल की अफेक्शन काफ़ी कॉमन है और दिल की गति बहुत तेज़ चलना या बहुत धीमी हो जाना या फिर ब्लड प्रेशर का कंट्रोल में नहीं आना, ये सब बड़े कॉमन सिम्टम्स हैं। पर इसके साथ में एक जो परिप्रेक्ष्य है वो ये भी है कि कुछ लोगों में ये दिल की गति की इरेगुलरिटी को पैदा कर देता है, मतलब कि एक्स्ट्रा बीट्स होती हैं दिल की, वो आनी शुरू हो जाती हैं। पर कई लोगों को जिनको कि एक्स्ट्रा बीट्स पहले से भी थी जो कि कई सामान्य रूप से भी रह सकती हैं, अब हर घर में चूंकि ऑक्सीमीटर हो गया है, हर आदमी करीब करीब दिन में कई बार अपनी पल्स नाप रहा था क्योंकि ऑक्सीजन लेवल के संग में पल्स भी आती है, तो जब ये एक्स्ट्रा बीट्स आती हैं तब जो उसके अंदर जो चिप होती है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाती है और वो हार्ट रेट को बहुत कम दिखाने लगती है। तो ये एक बड़ी कॉमन चीज़ देखी जा रही थी और इसमें घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, दिल की जो अनियमितता है या दिल की जो धड़कन की दिक्कतें हैं वो सीरियसली तब मानी जाती हैं जब इनकी वजह से चक्कर आ रहे हों, बेहोशी सी महसूस हो रही हो या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगने लगे, ब्लड प्रेशर बहुत गिर जाए, ऐसी कंडीशंस में ये सीरियसली मानी जाती हैं। अगर आपकी दिल की धड़कन
कम या बहुत ज़्यादा आ रही है ऑक्सीमीटर पे, तो सबसे पहले बिल्कुल मत घबराइए, आराम से बैठिए, हाथ को किसी सतह पे रख के जब ऑक्सीमीटर को अपने हाथ को ड्राई करके अच्छे से उसको अंदर लगाइए और 20 सेकंड का इंतज़ार करिए। तब तक आपके हाथ का कंपन और बाकी चीज़ें रुक जाएंगी, हाथ स्टेबल हो जाएगा और फिर जो वैल्यू आएगी उसको नोट करिए। अगर ये वैल्यू फिर भी 50 से भी कम आ रही है तब आप एक ये कर सकते हैं कि आप 5-6 मिनट के लिए चहलकदमी कर लीजिए और उसके बाद आके फिर नापिए। अगर हार्ट रेट बढ़ गया है तो ये अच्छी बात है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, पर अगर हार्ट रेट लगातार 50 से कम दिखा रहा है ऑक्सीमीटर तो आपको फौरन ECG करवा के इसकी कंफर्मेशन की आवश्यकता है। तो फिर आप पास में डॉक्टर से जाकर संपर्क करिए और अपना ECG करवाइए। वैसे डॉक्टर, एक मेडिकल टर्म है एट्रियल फिब्रिलेशन, तो ये क्या होता है, इसके क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और डायग्नोस कैसे होता है? तो एट्रियल फिब्रिलेशन जो है वो दिल की अनियमित गति का एक बहुत ही कॉमन और सबसे कॉमन कारण वही है। तो ज़्यादातर दिल की जो धड़कन है वो दाएं तरफ के ऊपर के कमरे में बनती है और एक नियमित रूप से नीचे आती है और बाकी पूरे हार्ट में बिजली के तारों से पूरे हार्ट के मसल को चलाती है। जब ये बाईं तरफ से बहुत तेज़ और इरेगुलर तरीके से पैदा होती है तब इसको एट्रियल फिब्रिलेशन कहा जाता है। ये बीमारी थोड़ी सी गंभीर बीमारी है क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, इसके जो परिणाम हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। इसका जो सबसे गंभीर परिणाम है वो है कि दिल के अंदर क्लॉट्स या खून के थक्के बन जाना, जो कि वहाँ से उखड़कर फिर आगे चले जाते हैं शरीर में, और सबसे ज़्यादा कॉमनली ये ब्रेन में जाके स्ट्रोक पैदा करते हैं, मतलब कि लकवा हो जाना, जो कि एक बहुत गंभीर विषय है। इसके अलावा अगर ये धड़कन बहुत दिन तक बनी रहे और कंट्रोल में ना की जाए तो ये दिल की मांसपेशी को भी कमज़ोर कर देती है और उसकी वजह से हार्ट फेलियर में पेशी। एट्रियल फिब्रिलेशन का पता करना काफ़ी आसान है। आप जब भी अपने डॉक्टर के पास में जाएं तो इंसिस्ट करें कि मेरी पल्स जरूर देखी जाए, क्योंकि सिंपल पल्स को देखने से इसके बारे में पता चल जाता है। जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई लोगों को अनियमित रूप से एट्रियल फिब्रिलेशन चलने से दिल में धड़कन धक 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 महसूस होती है, पर बहुत सारे लोगों को ये महसूस नहीं होता, पर उन लोगों को भी दिल में क्लॉट बनने का उतना ही शक रहता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि खास करके जिन लोगों को इसकी रिस्क ज़्यादा है, वो किसको रिस्क ज़्यादा है, जैसे जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, 55-60 से ऊपर की उम्र है, जिनको पहले से हार्ट की बीमारी है, या जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, जिन्हें रात को बहुत खराटे आते हैं, दिन में सांस रुक जाती है, ऐसे लोगों को एट्रियल फिब्रिलेशन होने की रिस्क रहती है। और ये लोग जब भी किसी डॉक्टर के संपर्क में आएँ तो हमेशा अपनी नब्स की ज़रूर चेक करवाएं। जी, वैसे आपने हमें ये तो बता दिया कि क्या कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसे कैसे कोई भी डायग्नोस होता है, लेकिन इस बारे में मैं अब आपसे ये जानकारी चाहूँगी कि अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसके लिए क्या कुछ ट्रीटमेंट है? तो इसका ट्रीटमेंट जो है उसके दो पहलू हैं मोटे तौर पर। जिन लोगों को एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ में खून के थक्का बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, उन लोगों को लगातार खून पतला करने की दवाई दी जाती है, जो कि स्ट्रोक या फिर लकवा पैदा करने के प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा देर तक, बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल कर लेती हैं। इसके अलावा दिल की गति को नियमित रूप से करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। अगर ये दवाइयाँ कामयाब ना हों या इनके साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हों तो आजकल नई तकनीक आ गई हैं जिसमें कि तार डाले जाते हैं पैर के ज़रिए और जहाँ पर ये धड़कन बन रही है एबनॉर्मल उस जगह को जला दिया जाता है। तो ये जो है तरकीबें, ये सब एट्रियल फिब्रिलेशन के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक डॉक्टर, वैसे कार्डियक डेथ को लेकर भी कई सारी भ्रांतियाँ हैं। लोगों का ये मानना होता है कि अगर उन्हें कार्डियक से जुड़ी कोई समस्या हो गई या एक अटैक भी अगर उनको आता है तो सबसे ज़्यादा रिस्क कहा जाता है कि इसी के दौरान रहता है कि कार्डियक डेथ बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो क्या इसके लिए कोई ट्रीटमेंट है? हाँ, तो सडन कार्डियक डेथ एक बहुत ही एक गंभीर समस्या है। इट इज़ अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड। तो इसका मतलब है कि जितने भी लोगों का आपने सुना हो कि आकस्मिक मृत्यु हो गई, कि सो रहे थे उठे ही नहीं, या फिर सब्जी लेने जा रहे थे एकदम से ही सड़क पे कोलैप्स कर गए, या जैसे आपने भी सुना होगा किसी एक इंडस्ट्रियलिस्ट था जो कि साइकिल चला रहे थे और चलते एकदम से ही गिर गए एंड ही कुड नॉट मेक इट। ये सारे जो हैं ये सब सडन डेथ्स ही होती हैं और इसका 90% कारण जो होता है वो सडन कार्डियक डेथ होता है, मतलब कि ये आकस्मिक मृत्यु दिल की वजह से हुई है। इसके दो जो बड़े बड़े कारण हैं वो एक है कि बहुत ही बड़ा हार्ट अटैक होना, दिल का दौरा आना,
और दूसरा कि दिल की गति बहुत तेज होकर हार्ट जो है वो ठीक से पंप नहीं कर पा रहा और उसकी वजह से ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंच पाता और आपकी मृत्यु हो जाती है। तो इन दोनों कारणों का ही एक तरह से प्रिवेंशन संभव है। दिल के दौरों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना खान पान और अपनी जीवन पद्धति का अच्छे से ध्यान रखें। हमको दवाइयाँ दी जाती हैं तो उनको ठीक से लें, अपना रेगुलर चेकअप करवाएं और जो धूम्रपान और बाकी तरह के व्यसन हैं इनको छोड़ दें। जहाँ तक दिल की गति तेज होने का सवाल रहता है तो ये सडन डेथ जो है अक्सर उन लोगों में देखी जाती है जिनके हार्ट कमज़ोर होते हैं, पहले से वीक होते हैं, तो ये लोग पहले से पता है कि इनको दिल की बीमारी है। ऐसे लोगों को जब हार्ट का फंक्शन कम होता है तो उसमें सडन डेथ के चांस बढ़ जाते हैं। उसके लिए आजकल एक इंट्राकार्डियक डिफिब्रिलेटर यानी कि ICD नाम का एक यंत्र आते हैं जो कि कॉलर बोन के नीचे फिट हो जाते हैं। जैसा कि आपने पिक्चर या डॉक्यूमेंट्री में देखा होगा कि बाहर से शॉक देके हार्ट को रिवाइव किया जाता है, तो ये छोटा सा माचिस की डिब्बी से थोड़ा बड़ा एक यंत्र होता है, यहाँ फिट हो जाता है, तार अंदर दिल तक जाते हैं और वो सारे टाइम हार्ट रेट के मॉनिटरिंग करते रहते हैं। जहाँ तब मालूम चलता है कि दिल का गति बहुत ज़्यादा तेज हो गई है जो कि खतरा वाली है तो ये दिल में झटका अंदर से देके उसको ठीक कर देता है। जी, वैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी का भी जिक्र आता है ऐसे में, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन क्या है और इसका इस्तेमाल किस तरीके से किन पेशेंट्स में किया जाता है? जी, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन का मतलब है कि एक बहुत ही स्पेशल तरह के कैथेटर्स माने कि तार जो आते हैं, जैसे जो तार आपकी कंप्यूटर से निकल के बाहर आ रहे हैं उस करीब करीब उतने साइज की तार होते हैं जो कि हमारे पैर के जरिए नसों से अंदर हार्ट में घुसाए जाते हैं। ये उन लोगों के लिए होता है जिनको कि दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है या बहुत इरेगुलर रहती है और दवाइयों से कंट्रोल में नहीं आ रही हो, तो ऐसे लोगों में हम इन तारों को अंदर ले जाते हैं और हमारे पास स्पेशल मशीन्स होती हैं जिनको EP मशीन्स कहा जाता है, उनसे कनेक्ट करके फिर एक्सरे के अंदर में हम अंदर दिल में धड़कन को पैदा करते हैं और इन तारों की मदद से और एक्सरे की मदद से हम लोकेट करते हैं कि धड़कन कहाँ से आ रही है, ये बिजली की जो शॉर्ट सर्किटिंग दिल में हो रही है वो कहाँ हो रही है जिससे कि ये एबनॉर्मल गति पैदा हो रही है। जब ये एक बार मालूम चल जाता है तब एक स्पेशल कैथेटर्स आते हैं जिनकी की टिप से जिनके मुँह से गर्मी निकलती है, तो ये जब हम इसमें कनेक्शन पूरा करते हैं तो इनकी टिप से काफ़ी गर्मी निकलती है और ये बिल्कुल छोटा सा एक बर्न दे देते हैं, जला देते हैं हार्ट में छोटे से टिश्यू को जहाँ पर कि ये बिजली उत्पन्न हो रही थी एबनॉर्मल वाली। तो इस प्रक्रिया को रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कहा जाता है और ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है दिल की धड़कन तेज होने का। जिन लोगों में दिल की धड़कन तेज होती है उसमें इसको करने से 90% से ऊपर सक्सेस रेट हमारा रहा जाता है और इसका कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम है। ज़्यादातर लोगों को सिर्फ थोड़ा बहुत दर्द का इंजेक्शन लगा के ही हम इसको कर देते हैं और यूजुअली एक दिन के बाद डिस्चार्ज हो जाता है पेशेंट। तो दर्शकों, आपने सुना डॉक्टर नितिन राजपूत और साथ ही डॉक्टर विवेक चतुर्वेदी को और हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आपने आज के इस एपिसोड में जो भी बातें सुनी हैं, जो भी सलाह डॉक्टर्स की तरफ से दिए गए हैं, आप उन सलाहों को बहुत ध्यान से आपने सुना होगा और आप इसे अपने जीवन में इसे जरूर शामिल करेंगे। साथ ही लाइफस्टाइल का जिस तरीके से जिक्र है दोनों ही डॉक्टर्स ने किया है, तो ऐसे में आप अपने लाइफस्टाइल को भी जरूर ध्यान दें और इसमें सुधार लेकर के आए ताकि आपका दिल बिल्कुल फिट रह सके, क्योंकि अगर हमारा दिल फिट रहेगा, प्रॉपर पंप करता रहेगा, हेल्दी रहेगा, तभी आप भी बिल्कुल खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड से मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी और आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी अलग डॉक्टर्स की टीम के साथ, एक अलग बीमारी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, आज के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।